हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ आपके पास, चिकन की। वो भी अपने नॉर्थ साइड की नहीं, पंजाबी डिश नहीं, मैं लेके आई हूँ साउथ की एक चिकन की रेसिपी, जो बहुत स्पेशल है, बहुत ही टेस्टी है। जो मेरे दोस्त चिकन खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो उनके लिए ये बहुत स्पेशल डिश है। वीडियो को आप एंड तक वॉच करिए। बहुत आसान है इसको बनाना और थोड़ा सा तरीका जो है वो डिफरेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक बने और कमेंट मुझे करके जरूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये रेसिपी को मैंने फोन से बात करके उनसे सीखा, फिर उसको बनाया और फिर मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया। चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की रेसिपी चिकन की। दोस्तों, आज मैं एक डिफरेंट टाइप का चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये कर्नाटका की रेसिपी है। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है चिकन? मैंने लिया है 1/2 kg चिकन। इसको गर्म पानी से और ठंडे पानी दोनों से अच्छे से वॉश कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद हमने लेने हैं काफ़ी सारा धनिया पत्ता, एक प्याज और 20 से 25 जो कलियां हमने लहसुन की, और हरी मिर्ची, अदरक का 2 से 3 इंच का पीस लेना है। और इनको हमने बिना ऑयल के अच्छे से फ्राई पैन में इसको रोस्ट करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। धनिया पत्ता को भी आपने साथ में ही करना है। और फिर हमने इसको कर लेना है ग्राइंड। थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। बहुत टेस्टी बनने वाला है, डिफरेंट रेसिपी है। चलिए अभी हम चिकन को तैयार करते हैं। हमने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून लिया है ऑयल, और उसमें हम ऐड कर देंगे चिकन को। आपने 10 से 15 मिनट चिकन को ऐसे ही मीडियम आंच पर पकने देना है, ढक करके। अब आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक डालें, हल्दी थोड़ा सा कम डालना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मसाला, चिकन मसाला। अच्छे से मिक्स करें और फिर जो हमने मसाला ग्राइंड किया है उसको इसमें ऐड कर दें, और इसको मीडियम आंच पर 10 से 15 मिनट तक ढक करके पकने दें। देखिए चिकन का कलर, और हमारा जो चिकन है बनके तैयार है, ग्रीन चिकन। और आप इसको गर्मा गर्म खाइए पराठा के साथ।